ठीक है, चलो आज से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बेसिक सर में सुन, चुपचाप भाई, बेसिक कैलकुलस फिजिक्स में जो चाहिए वो हम लोग अभी से सीखेंगे। ठीक है, तो नया चैप्टर है आपका कैलकुलस फॉर फिजिक्स। चलो अब एक चीज ध्यान से सुनो सर, ये बेसिक कैलकुलस आपके लिए ना बिल्कुल नया है। बिल्कुल नया का मतलब ये हुआ कि जैसे बचपन में पढ़े थे ना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो उस समय जो माइंडसेट था सीखने का वही माइंडसेट रहना चाहिए। जैसे बचपन में ही अगर जिद करने लगते कि सर बताओ ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन क्यों पढ़ते हैं, तो आज तक नहीं सीख पाते, है ना। और आज रियलाइज होता है कि वो अगर नहीं सीखते तो किसी काम के नहीं रहते। तो ये जो मैथमेटिक्स है जो अभी आप सीख रहे हैं, ये मैथमेटिक्स में आपका पोजीशन वही नर्सरी क्लास के बच्चे के जैसा है। तो वही माइंडसेट, अभी अगर एकदम सब कुछ जिद में आ जाओगे कि बताओ क्यों पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या हुआ, तो मैं तो बता दूंगा, बट यकीन मानो सीख नहीं पाओगे। धीरे धीरे जैसे जैसे जहां जहां जरूरत होगी मैं बताता चलूंगा इसका क्या यूज है, एक्चुअल मीनिंग क्या है। बट आप इस माइंडसेट के साथ अभी सीखो कि ये आप पहली बार सीख रहे हो और आपका पोजीशन वही क्लास 1 2 के बच्चे के जैसा है। ठीक है, यस चलो स्टार्ट करते हैं। यस अभी तक जो आप मैथ्स पढ़ते थे, अलजेब्रा पढ़ते थे, अभी तक जो भी आप, उस मैथमेटिक्स में क्या था और इस मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंस है, पहले तो ये सीखो। तो जो हम लोग अलजेब्रा पढ़ते थे, बेसिक अलजेब्रा, उस अलजेब्रा में 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन थे। एक होता था एडिशन, एक होता था सब्ट्रैक्शन, इसके बाद होता था मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन। होता था ऐसा? यस मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ वन इज डिवीजन। तो ये चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन हम लोग अलग अलग पढ़े थे। ध्यान से देखोगे तो एक ही मैथमेटिकल ऑपरेशन है, सब तो एडिशन ही है। हाँ ध्यान से देखोगे तो सब एडिशन है, एडिशन ही है। इवन मल्टीप्लीकेशन भी एडिशन है, सब्ट्रैक्शन भी एडिशन है, एडिशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर इज सब्ट्रैक्शन। बट ठीक है, हम लोगों को डिटेल में पढ़ना था इसीलिए। एडिशन का ये सिंबल होता था, सुनने में हंस हंसी लगेगा बट ऐसा सिंबल था। सब्ट्रैक्शन का ऐसा था, मल्टीप्लीकेशन का ऐसा था और डिवीजन का ऐसा था। तो ये सिंबल देखकर हम डिसाइड करते थे कि दो डिस्क्रीट नंबर्स जैसे ए और बी हैं, इनके बीच कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है। दैट इज ए और बी के बीच ऐसा प्लस वाला साइन दिखता था तो हम समझ लेते थे कि एडिशन होना है, ये साइन देख के समझ लेते थे कि सब्ट्रैक्शन है, ये साइन मल्टीप्लीकेशन का है और ये साइन डिवीजन का है, समझ लेते थे हम लोग। यस सर, यस ये सर, तो आपके खून में डीएनए में ऐसा बसा है कि ये आप कभी कुछ क्वेश्चन नहीं किए कि यही साइन क्यों है, बट ये समझ लिए थे ना कि ये सारे साइन किस मैथमेटिकल ऑपरेशन का है। यस ये सारे सिंबल्स को हम लोग अल्जेब्रिक ऑपरेटर्स कहते हैं। नाम आज तक नहीं सुने होंगे बट काम तो चल रहा था आपका। अच्छा, तो जो मैथ्स आप पढ़ रहे थे उसमें 4 ऑपरेशन होता था और ये 4 उसके ऑपरेटर होते थे। ये बात क्लियर है? यस सर। दूसरी चीज, अभी तक जो मैथमेटिक्स आप पढ़ रहे थे उसमें ये चारों में से कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस करो, ये सब डिस्क्रीट नंबर्स के बीच होता था, है ना। 2 + 3, 2 × 3, 2 − 3, व्हाटएवर। सो सेकेंड थिंग इज अलजेब्रा डील्स विथ डिस्क्रीट नंबर्स।
अब आप कहोगे कि सर एक्स वाई भी तो होता था वेरिएबल, बट एक्स और वाई जो कुछ भी होता था हम वैल्यू फाइंड करते थे तो वो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ही आता था ना, आप समझ रहे हो। तो ये जो मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे ये मैथमेटिक्स केवल और केवल डिस्क्रीट नंबर्स को डील करता है, ठीक है। तो डिस्क्रीट नंबर को डील करने के लिए मैथमेटिक्स था, अलजेब्रा था, हम लोग उसको पढ़ते थे। अब आज से जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे हम लोग उसको कहेंगे कैलकुलस। कैलकुलस और अलजेब्रा में पहला फर्क ये है कि कैलकुलस डील करता है डिस्क्रीट, सॉरी अलजेब्रा डील करता है डिस्क्रीट नंबर्स को और कैलकुलस डील करता है फंक्शन को, ठीक है। यस सर। कैलकुलस डील्स विद फंक्शंस, और वेरिएबल्स अब कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन होता क्या है मान लो, तो कोई भी y मान लो x पर डिपेंडेंट है तो y इज अ फंक्शन ऑफ x। जैसे आपका पॉकेट मनी आपके पापा के। सर डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट मतलब नहीं जानते हो? सुना सुना है सर, एग्जैक्टली नहीं। डिफरेंट व्हाट? डिफरेंट अरे नहीं, ओए चुप कर। डिस्क्रीट मतलब फिक्स्ड वैल्यू जिसको कहते हैं, डिस्क्रीट मतलब फिक्स्ड वैल्यू जिसका की वैल्यू शेप साइज डायमेंशन सब कुछ फिक्स है वो डिस्क्रीट है, और जिसका शेप मतलब इन जनरल लिटरेचर मीनिंग बता रहा हूं, जिसका शेप साइज डायमेंशन वैल्यू सब वेरी करता है वो डिस्क्रीट नहीं है। जैसे 2+3 5, तो 2 और 3 डिस्क्रीट नंबर्स है, मतलब 2 2 ही है, 2 का वैल्यू 2 से ऊपर नीचे चेंज नहीं होने वाला है। लेकिन वही मैं x plus y लिख दूं तो x का वैल्यू भी कुछ चेंज होगा, y का वैल्यू भी कुछ चेंज होगा, समझ आया? हाँ। जैसे मैंने कहा कि तुम्हारा पॉकेट मनी मान लो पापा के सैलरी का फंक्शन है, बहुत सारी चीजों का फंक्शन हो सकता है, पापा की सैलरी का, मम्मी के मूड का फंक्शन हो सकता है, तुम्हारी मम्मी तुमसे कितना खुश है, व्हाटएवर। तो ये जो y इज इक्वल टू fx है इसमें इस x को हम लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये x है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स बहुत ज्यादा हो सकते हैं, हम लोग अभी सिंगल वेरिएबल पढ़ते हैं, तो ये कहलाता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो y है इसको हम लोग कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल एक दूसरे के साथ जिस रूल्स से या जिस रिलेशन से एसोसिएटेड हैं वो रिलेशन कहलाता है फंक्शन। जैसे पापा ने मान लो एक रूल बना दिया कि दिन में मुझे जितना पैसा मिलेगा उसका 0.1% तुम्हें पॉकेट मनी देंगे, तो वो जो रूल है वो है फंक्शन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? नो सर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? नो सर। नाम सुन के ही लगता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है कि ये वेरिएबल अपना वैल्यू इंडिपेंडेंटली जो भी रेंज में दिया रहे उसमें ले सकता है, बट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यू इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू क्या लिए है उस पर डिपेंड करेगा। जैसे आपको समझाने के लिए लिखने का टाइम दूंगा, घबरा मत, आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ। मान लो एक फंक्शन मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। x की वैल्यू तुम्हें जो मन करे ले लो, 0 ले सकते हैं, +1 ले सकते हैं, -1 ले सकते हैं, जो मन करे, √2 ले सकते हैं, -√2 ले सकते हैं,
बट वाई का वैल्यू आप इंडिपेंडेंटली नहीं ले सकते, जैसे वाई की वैल्यू -5 आप नहीं ले सकते क्योंकि उसके क्रॉसपॉन्डिंग कोई एक्स एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। समझ आ रहा है? Yes. मतलब ये जो एक्स है ये इसी बात पर वाई है ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि एक्स कितना लिया गया है। वाई कैन नॉट टेक इट्स वैल्यू इंडिपेंडेंटली, वेयर एज एक्स कैन टेक इट्स वैल्यू इंडिपेंडेंटली। दैट्स वाई दिस एक्स इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस वाई इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये बात समझ आई? यस सर। यस सर। तो इस कैलकुलस वाले मैथ में हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को डील करेंगे, ये बात पक्का हो गया? जी सर। ये वेरिएबल हमेशा एक दूसरे से किसी न किसी फंक्शन से रिलेटेड होंगे, ये पक्का हो गया? वो फंक्शन कोई भी रूल हो सकता है। अब ये जो कैलकुलस है उसकी आवाज आ रही है, म्यूट कर लो। तो जैसे अलजेब्रा में चार मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते थे वैसे ही कैलकुलस में दो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, ठीक है? अलजेब्रा में चार मैथमेटिकल ऑपरेशन थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, था ऐसा? यस। कैलकुलस में दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन, सर एक बार ऊपर वाला पेज दिखाएंगे वो लिख लेता हूँ। नहीं लिखने को मैं टाइम दूंगा, घबराओ मत, अभी मत लिखो। दूसरे को कहते हैं इंटीग्रेशन। तो अलजेब्रा में चार मैथमेटिकल ऑपरेशन थे, कैलकुलस में दो मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो पहली बात तो मैथमेटिकल ऑपरेशन का नाम समझ, नाम सुन लिया, दो नाम है, एक डिफरेंशिएशन और दूसरा नाम है इंटीग्रेशन। क्लियर? अब जैसे एडिशन था तो एडिशन के सिंबल को देख के पहचानते थे कि कैसा होता है, वैसे ही डिफरेंशिएशन के सिंबल को देखकर कैसे पहचानेंगे वो देखते हैं। तो अगर कहीं ऐसा दिखा लिखा हुआ मिल जाए कि d by dx of something y, तो ये जो सिंबल है d by dx ये सिंबल हो गया डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर। जैसे प्लस साइन क्या था, एडिशन का ऑपरेटर था, वही देखकर समझ में आता था कि हमें दो डिस्क्रीट नंबर को ऐड करना है। यस सर। देखकर समझ में आएगा कि हमें वाई को डिफरेंशिएट करना है, तो इसको हम लोग ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर, और इसको प्रोनाउंस करेंगे ऐसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है? जैसे इसकी आवाज आ रही है, म्यूट कर लो। अच्छा, वैसे ही एक सिंबल दिखेगा ऐसा, एस के जैसा, यहां पर लिखा होगा वाई और यहाँ लिखा होगा dx ऐसा। अच्छा, ये x और y जस्ट सिंबल है, y x की जगह कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। तो ये जो ऐसा टेढ़ा वाला साइन दिखता है ये साइन है इंटीग्रेशन का ऑपरेटर। इसको हम लोग पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। सर वो x के पहले क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां लिखा रहे मिलेगा वाई डी एक्स, तो हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहां लिखा हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, सो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज जाने कि कैलकुलस में दो ऑपरेशन होता है, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। वो क्या होता है अभी तक नहीं सीखा, मैंने नहीं सिखाया, और सिंबल देखकर कैसे पहचानेंगे कि मुझे डिफरेंशिएशन करना है या इंटीग्रेशन करना है। ये बात समझ आ गई है ना? तो
अभी हम लोग अगले पांच छह चार पांच लेक्चर तक एटलीस्ट डिफरेंशिएशन सीखेंगे कि कैसे करते हैं इंटीग्रेशन उसके बाद में। तो अभी आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, मैं आपको पूरा एक साथ व्यू करा देता हूँ, कॉपी कर लो उसके बाद आगे बढ़ते। पूरा दिख रहा है? यस सर। विजिबल है या थोड़ा और बड़ा करूं? दिख रहा है सर। थोड़ा और बड़ा कर दिया। हो गया, आगे बढ़ो। एक मिनट सर। सर सर आप एक बार वापस रीड कर सकते हो उसका इंटीग्रेशन का जो है वो फॉर्मूला? इसको ऑपरेटर नाम है, इसको हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तब सर वो लिखा क्या है वो फॉर्मूला में? लाइक वो सिंबल है उससे इंटीग्रेशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? नहीं सर वो वाई डॉट डी एक्स है। हाँ y डॉट डी एक्स। ओके सर, डॉट की जरूरत नहीं है, y dx भी लिखा है तो काम चलेगा। आगे बढ़े। हाँ सर चलो आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया है सबने? यस सर। वन मिनट सर। ठीक है। हाँ सर। चलो अब देखो, अब हम लोग आज से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? चलो अभी से स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। अगले 3-4 लेक्चर तक चलता रहेगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है ये देखो। सपोज वाई अगर कोई एक एक्स का फंक्शन है तो हम एक्स में चेंज करेंगे तो वाई में भी चेंज होगा, है ना? हाँ सर। तो अगर मेरा एक्स चेंज एक्स में थोड़ा सा चेंज किए तो मेरा एक्स अब हो गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स मान लो, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग मेरा वाई भी चेंज हो जाएगा। तो मेरा नया वाला वाई चेंज होकर पुराने वाले वाई से मान लो वाई प्लस डेल्टा वाई हो गया। डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है। डेल्टा वाई पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डेल्टा एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो वाई में क्रॉसपॉन्डिंग चेंज है डेल्टा वाई का, और ये जो x में चेंज है, मतलब जब भी मैंने x में चेंज किया, जब भी मैंने x में डेल्टा x से चेंज किया तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग मेरे y में डेल्टा y का चेंज हो गया। यही हुआ इसका मतलब? यस सर। जैसे पापा की सैलरी कुछ बढ़ गई तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा पॉकेट मनी कुछ बढ़ गया, वो जो भी फंक्शन रहा होगा। तो ये जो रेशियो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल के वैल्यू में जितना चेंज होगा, ये जो रेशियो है, इस रेशियो को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं। वैसे तो इस रेशियो को हम लोग लेबनीज रेशियो कहते हैं, लेकिन अगर एक्स में चेंज बहुत छोटा है तो बहुत छोटा को हम लोग मैथ्स के लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब हो गया कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैंने स्लाइट चेंज किया तो डिपेंडेंट वेरिएबल में जितना चेंज होगा उसका और डेल्टा वाई का जो रेशियो होगा, इसी रेशियो को हम लोग डीवाई बाई डी एक्स कहते हैं। तो ये हो गया मेरा डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल डेफिनेशन। ये हो गया मेरा डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो ये बड़े बड़े सिंबल देख के मत डरो कि इतना बड़ा बड़ा सिंबल सर ने यूज किया। मीनिंग समझो कि अगर मैंने मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने अपनी वैल्यू को थोड़ा सा चेंज किया, मिनिमम डेल्टा एक्स एकदम थोड़ा सा हल्का चेंज किया, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आया वो चेंज मेरा हो गया, उस चेंज का रेशियो मेरा हो गया डिफरेंशिएशन। तो ये हुआ डिफरेंशिएशन का मैथमेटिकल डेफिनेशन। सर डिफरेंशिएशन सिर्फ छोटे चेंज के लिए एप्लीकेबल है? मतलब बहुत थोड़े चेंज में, ज्यादा चेंज में नहीं एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबल वर्ड कहाँ से सीखा, क्या बोलना चाह रहे हो? ये जो तुमने बोला कि एप्लीकेबल है, इस एप्लीकेबल वर्ड का क्या मतलब है तुम्हारे नजर?
मतलब सर आपने लिखा है ना स्पेशली कि एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स बहुत छोटा चेंज है, तो अगर वो चेंज थोड़ा बड़ा होगा तो यूज कर सकते हैं। यूज क्या यूज कर सकते हैं, क्या यूज करना चाहते हो बताओ? ये ऑपरेटर, ये ऑपरेटर फिर डिफाइन ही नहीं है तो यूज कैसे करोगे? ये ऑपरेटर डिफाइन ही नहीं है तो यूज कैसे करोगे? जैसे काम की बात सुनो, जैसे मान लो तुम घर से निकले, ठीक है, और तुम्हारा स्कूल तुम्हारे घर से 5 किलोमीटर दूर है और तुमको पहुंचने में 1 घंटा लगा। मैं पूछूं तुम्हारी ये स्पीड कितनी है तो क्या बोलोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम सर। क्या बोलोगे? बोलो सर। वैल्यू वापस बोल सकते हो आप? 5 किलोमीटर पर आवर बोलोगे ऐसा कुछ? हाँ। लेकिन मैं पूछूं तुम्हारे घर से निकलने के 5 मिनट बाद तुम्हारी ये स्पीड कितनी है, बता सकते हो? इंस्टेंट इंस्टेनियस वेलोसिटी से कितना है बता सकते हो? हाँ पता नहीं। हाँ पता नहीं, दोनों बात कैसे होगा सर? सर अभी तक पढ़ाया नहीं है। अरे गधे तुम लोग एकदम। इतने इंफॉर्मेशन से कि तुम्हारा घर से तुम्हारा स्कूल 500 किलोमीटर है और तुम्हें 1 घंटा लगता है। अच्छा नहीं 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 निकाल सकते। इंफॉर्मेशन से आप नहीं बता सकते हो? नहीं सर। तो जो 5 किलोमीटर अपॉन 1 आवर लिया उसमें जो रेशियो में डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर मतलब ये पूरे 1 घंटे का एवरेज वैल्यू है। हाँ सर। तो डिनोमिनेटर जब बहुत छोटा होगा तब इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलेगा। हाँ। तो तुम्हारे घर से निकलने के 5 मिनट बाद तुम्हारा जो रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन होगा वो उस समय की वेलोसिटी होगी। हाँ सर। है ना, ना उससे 2 मिनट 2 सेकंड पहले ना उससे 2 मिनट बाद एग्जैक्टली उस इंस्टेंट पर। हाँ। बट उस इंस्टेंट से थोड़ा आगे थोड़ा पीछे तो चाहिए होगा ना कैलकुलेट करने के लिए डेटा। हाँ सर। तो वो जो चेंज है टाइम का वो तुम्हारा बहुत छोटा होना चाहिए। जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ज्यादा प्रिसाइज होगा, जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा एवरेज वैल्यू होगी। ठीक है? ओके। हाँ सर। ओके। अच्छा तो ये हुआ मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब यहीं से इसी एग्जांपल से और इसी डिस्कशन से हम इस बात को इसका एक मीनिंग ये कह सकते हैं, इसका एक मीनिंग समझ आया कि dy by dx क्या रिप्रेजेंट करता है। तो dy by dx रिप्रेजेंट करता है चेंज इन y, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना? यही मतलब हुआ ना? x में डेल्टा x चेंज होने से y में अगर डेल्टा y का चेंज हुआ तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स का रेशियो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज होगा। हाँ सर। तो डी वाई बाई डी एक्स का एक फिजिकल मीनिंग जो मुझे समझ आया वो ये है कि डी वाई बाई डी एक्स रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज को। सो रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। यहां तक कोई दिक्कत? डीवाई बाई डी एक्स का और भी मीनिंग मिलता जाएगा, और भी मीनिंग मिलता जाएगा अभी तुम्हें बहुत कि इसको इसका क्या मतलब है, क्या यूज करते हैं, कैसे, वो अलग बात है। अभी हम सिर्फ इस डिफरेंशिएशन के डेफिनेशन पे आते हैं। तो सपोज मेरे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स और मुझे dy by dx निकालना है, तो मेरा dy by dx क्या हो जाएगा? तो खुद देखो, लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो
डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होगा, यही होगा ना। तो डेल्टा वाई क्या होगा, वाई का वैल्यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर माइनस वाई का वैल्यू एक्स पर, यही हुआ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, आया ना। हाँ सर। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन मेरा डीवाई बाय डीएक्स का हो गया। हाँ सर। यहां तक किसी को कोई डाउट है, ये समझ में आया कि यहाँ पर जो लिखा था और यहाँ पर जो लिखा दोनों एक ही बात है, ये बात समझ आई? नहीं सर। यस। नहीं सर। नहीं सर। ना बिल्कुल, कैसे समझ सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे सोचो। रिपीट कर दो सर। हाँ रिपीट कर रहा हूँ, सुन तो सही। ये ऊपर यहाँ जो लिखा हुआ है क्या लिखा है, डेल्टा वाई। तो ये डेल्टा वाई की जगह ही मैंने ये लिखा है, बात नहीं, डेल्टा वाई की जगह ही मैंने ये लिखा है सर। कैसे लिख सकते हैं डेल्टा वाई की जगह पे, आया ना सर? किसी का आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में। इस वाले में और इस वाले में डिफरेंस क्या है, यहाँ डेल्टा वाई लिखा है न्यूमरेटर में, यहाँ पर मैंने एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स लिखा है, इतने का ही डिफरेंस है ना। हाँ सर। बोलना जिसको नहीं समझ में आया, बोलो तो सही सर। डेल्टा वाई की जगह वो क्यों लिखा है? हाँ वो नहीं समझ में आ रहा। डेल्टा वाई की जगह एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स लिखा है, यही डिफरेंस है ऊपर और नीचे वाले एक्सप्रेशन में, आया ना सर? वो समझ में, पर ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों क्यों। तो अगला लाइन बोलूंगा ना, यहाँ तक समझ आया कि पहले वाले एक्सप्रेशन में जो डेल्टा वाई लिखा था, नीचे वाले एक्सप्रेशन में एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स लिखा है, यही डिफरेंस है, आया ना? इतना ही पूछा था। हाँ सर। हाँ डेल्टा वाई का मतलब क्या हो गया, चेंज इन वाई, आया ना? हाँ सर। यस सर। चेंज इन वाई का मतलब क्या हुआ, वाई का नया वाला वैल्यू माइनस पुराना वाला वैल्यू, हाँ सर। पुराने वाले वैल्यू में एक्स की वैल्यू एक्स थी और नए वाले में x की वैल्यू x प्लस डेल्टा x है। हाँ है ना। तो नया वाला y क्या होगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x होगा। x चेंज हो गया x प्लस डेल्टा x से, तो नया वाला y क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x। सर नया वाला समझ में नहीं आया। एक्स का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेगा वाई का वैल्यू चेंज करेगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो एक्स का वैल्यू जब एक्स था तो वाई का वैल्यू क्या था, एफ ऑफ एक्स। यस सर। आया ना। तो जब x का वैल्यू x प्लस डेल्टा x होगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, f ऑफ x प्लस डेल्टा x। सर डेल्टा x मतलब चेंज ही नहीं। चल देख, छोड़िए सब, चुपचाप सुनेगा सब, ये सब छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, जो कह रहा हूं सुनो। मान लो y इज इक्वल टू, तुम्हें क्या मन करे जो मन करे लिख लो, 3x प्लस 4, ठीक है? यस सर। यस। हां सर। अभी मेरा x का वैल्यू कुछ बोलो जो मन में आए, जो मन में आए बोलो। 2 है। 2 ठीक है। अब मेरा x का वैल्यू चेंज हो गया, कितना हो गया, 2 प्लस कुछ बोल दो, 3 हो गया मान लो, 2 प्लस 1 हो गया, ठीक है? यस सर। तो ओल्ड वाई पुराना वाला वाई क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2
प्लस फोर हो जाएगा. यस यस. नया वाला वाई क्या हो जाएगा? थ्री. एक्स की जगह क्या रख देंगे? अब टू प्लस वन रख देंगे. हाँ सर. यस सर. हाँ यस सर. यस सर. बहुत बढ़िया. तो पुराना वाला वाई और नए वाले वाई में क्या फर्क है? जहां पहले एक्स था वहां एक्स प्लस चेंज इन एक्स है. यस सर. चेंज इन वाई को मैं क्या लिखूंगा? नया वाला वाई माइनस पुराना वाला वाई. यस सर. तो नया वाला वाई में क्या हो गया? जो भी मेरा फंक्शन था उसमें एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया. अरे yes. टू yes. की जगह टू प्लस वन हो गया और पुराने वाले में टू ही है तो यही डेल्टा वाई हुआ ना. yes, yes, sir. नहीं समझा था उसको चमका कुछ? समझा सर. चमका चमका. तो ये जो चमका यही लिखा हुआ है ऊपर कि जब x था जब जब x की वैल्यू x थी उस समय y मेरा f of x था. हाँ सर. यस सर. नाउ x हैज बीन चेंज टू x प्लस डेल्टा x इजंट इट. नाउ x हैज बीन चेंज टू x प्लस डेल्टा x तो y अब क्या हो जाएगा? फंक्शन में x की जगह x प्लस डेल्टा x लिख देंगे तो नया वाला y मिल जाएगा. yes. तो डेल्टा y दैट इज चेंज इन y वो क्या हो जाएगा? नया वाला y माइनस पुराना वाला y. आया ना? yes. तो नया वाला y f ऑफ x प्लस डेल्टा x पुराना वाला y f ऑफ x तो दोनों का डिफरेंस f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x. आया ना? yes. इसमें ऐसा क्या रॉकेट साइंस था कि तुम लोग नहीं समझा? नहीं समझा. इतना छोटा सा विजुलाइजेशन तुम लोग आराम से बैठा रहता है दिमाग को कहीं नहीं. तुम लोगों को कहानी सुनाया था कि नहीं मैंने लेमार्क प्रिंसिपल का? बताया हूँ कभी लेमार्किज्म? नहीं सर. मुझे भी नहीं पता. स्कूल में बायो में पढ़ा है तुम लोग डार्विन थ्योरी? सुना है सर. तो जहाँ डार्विन थ्योरी थी उसी के बगल में लिखा रहता था लेमार्क थ्योरी. याद है किसी को? सर आईसीएसई. कोई एक जो पढ़ा है वो बताओ तो लेमार्किज्म क्या था? सर उसमें दो मतलब कि जो ऑर्गन यूज नहीं करते वो छोड़ दे होता है. बहुत बढ़िया आवाज. और अब सब चुप रहो. सब सही बोला. सुनो चुपचाप. तो वो यूज मिसयूज डिसयूज जो भी तुम लोग बोलते हो मेरे कॉमन सेंस में कि ह्यूमन जिस ऑर्गन को यूज करना बंद कर देगा वो क्या होगा? थोड़े टाइम के बाद गायब हो जाएगा. जैसे बंदर की पूछ गायब हो गई. ये सब एग्जांपल रहता था ना? yes. ये yes. मैंने नहीं कहा, बहुत बड़े साइंटिस्ट लेमार्क ने कहा है. तो मैं तुम्हें कहता हूँ ठीक वैसे ही दिमाग को एकदम प्रिजर्व करके रखोगे रॉ ब्रेन कि हम इसको यूज नहीं करेंगे, एग्जाम के दिन ही यूज करेंगे, ज्यादा यूज करने से सर दर्द करने लगेगा तो क्या होगा? 2-3 जनरेशन डाउन द लाइन गायब हो जाएगा. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेमार्क ने कहा था. ठीक है? तो इसीलिए फिजिक्स पढ़ते वक्त एकदम आँख कान नाक दिमाग सब खोल के रखो. एकदम सोचोगे एकदम इजी गोइंग लिख दिया मैंने राम इट्स मैंगो अब वही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है. थोड़ा सा इसमें क्योंकि आप खुद बताओ मुझे सच में ये नहीं समझ आया. तब से मैं हजार तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिस डेल्टा वाई इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स. ये समझने में ये विजुलाइज करने में इतना टाइम लगा तो मैं समझ ही नहीं पाया कि चल क्या रहा है. खैर एनीवे कोई नहीं. अब तो समझ गया साहब. किसी को डाउट है? नहीं सर. तो ये जो डिफरेंशिएशन का बेसिक डेफिनेशन है इसी बेसिक डेफिनेशन को ध्यान में रखकर कुछ फंक्शन को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सर आप भी लिख ले पहले वाला क्या हुआ. नहीं लिखने को दूंगा टाइम, घबराओ बिल्कुल भी.
सपोज एक एग्जांपल है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और फाइंड डीवाई बाई डी एक्स, ये मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे पास तो डिफरेंशिएशन का जस्ट केवल फॉर्मूला है, फॉर्मूला मतलब बेसिक डेफिनेशन है, तो उस बेसिक डेफिनेशन को ध्यान में रखकर अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं, अभी बेसिक डेफिनेशन से सिखा रहा हूं, 10 मिनट के बाद इसका आंसर तुम ओरली बता दोगे। तो बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से मैंने अभी सीखा कि मेरा जो dy by dx होगा, ये dy by dx होगा लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन डेल्टा x, यही होगा अभी जो सीखा था उसके हिसाब से। हाँ सर, दो मिनट सोच लो। यस yes. यही होगा, तो ठीक है। तो लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आता है, तो x स्क्वायर प्लस टू इंटू x इंटू डेल्टा x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ऐसा होगा डिवाइडेड बाय x, ऐसा होगा। हाँ yes. हाँ, अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस और ये एक्स स्क्वायर माइनस कैंसिल होगा। यस सर। तो ये फाइनली हाँ ये दिख रहा है लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, ऊपर बच गया मेरा टू एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, तो मैं डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स बचेगा। हाँ सर। डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बचेगा, तो अब क्या होगा फिर, ये डेल्टा एक्स और ये डेल्टा एक्स गया, तो फाइनली ये मेरा बच गया लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। अब अगर डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो है, मतलब डेल्टा एक्स को अब हम जीरो पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू मुझे मिलेगा टू एक्स, ये मेरा आंसर हो गया। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स होगा। आया ये समझ में? हाँ सर। यस सर, ये आंसर निकालना क्यों है? अभी थोड़ी देर पहले तुमको क्या सिखाया था, क्लास शुरू होने से पहले बताया था ना कि आज ही करना क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब करने जाओगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। बचपन में जब तुम्हें कहा गया था टेबल रटने को, उसी समय जीत पे हर जाते कि पहले मुझे बताओ कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या यूज है, तभी हम सीखेंगे, तो कभी सीख पाते? बताओ। नो, नहीं सीख पाते। तो ठीक वैसे ही आज ही अगर इसके चक्कर में पड़ जाओगे कि ये क्यों कहां कैसे पूरी कैलकुलस हम आज ही सीख लेंगे, तो यकीन मानो कभी नहीं सीख पाओगे। सर लास्ट स्टेप बताओ तो एक बार। कौन सा? 2x + डेल्टा x दिख रहा है? हां हां सर, वही वाला। उसके बाद वाला तो डेल्टा x, पहले तो माइक्रोफोन म्यूट कर सर। डेल्टा x वेरी स्मॉल टेंडिंग टू 0, तो डेल्टा x की वैल्यू 0 पुट कर दिया, तो 2x + डेल्टा x में डेल्टा x 0 पुट करेंगे तो 2x मिलेगा। आपको लगता होगा कि सर यही डेल्टा एक्स जीरो पुट करना था तो पहले ही कर देते पुट। सर वही दिमाग में आ रहा था। तो जब पहले लाइन में पुट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, मेरा रेशियो जीरो अपॉन जीरो हो जाएगा। हाँ सर, है ना। और डिनोमिनेटर में अगर जीरो हो तो वो डिफाइन नहीं होता है, तो हम सॉल्व तब तक करते जाएंगे जब तक डिनोमिनेटर के डेल्टा एक्स को हटा ना दे। आया समझ में? यस।
हाँ सर अब समझ में आ गया, जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ूं? हाँ सर, सर एक मिनट, सर एक मिनट। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, रुक जाओ। सर ये एलसीएम बाय डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो का मतलब क्या हुआ? मींस चेंज इन एक्स इज वेरी स्मॉल। ओके, डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो का मतलब है चेंज इन एक्स इज वेरी स्मॉल। एलटी एलटी लिमिट, एलटी सिंबल हो गया। इस बात को अब लिटरेचर की क्लास होती तो मैं लिखता बार बार कि डेल्टा एक्स चेंज इन एक्स इज वेरी स्मॉल। मैथ की क्लास है तो इस बात को सिंबल में लिखूंगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, इतने का ही फर्क है। समझ आया? यस सर। आगे बढ़े? हाँ सर। वेट सर, कितना डीमोटिव। सर हो गया? हो गया ठीक है। आगे देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से सुनो सब। फर्स्ट लेक्चर है, थोड़ा सा तुम लोगों को लगता होगा कि कुछ तो अलग पढ़ रहे हैं, पर धीरे धीरे सीख जाओगे, बहुत आसान चीज है ये, और जितना फिजिक्स के लिए चाहिए वो तो खैर सीख ही जाओगे। एक दूसरा एग्जांपल देखो, मेरे पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू, जो मन में है बोल दो, 10x, और मुझे dy बाई dx ढूंढना है। फाइंड dy बाई dx,
अभी तक हम जितना जानते हैं उसके बेसिस पर हम लोगों ने सीखा dy by dx का डेफिनेशन कुछ ऐसा, dy by dx is limit delta x tending to zero, न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे f of x plus delta x, minus f of x और डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स, यही सीखा है हम लोगों ने। हाँ। अच्छा तो इसमें इसको फिट इन करने की कोशिश करो, इसको इसमें फिट इन करोगे तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स पुट करेंगे तो ऐसा हो जाएगा टेन इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा माइनस एफ एक्स दैट इज टेन एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ऐसा होगा? हाँ सर। अच्छा अगर ध्यान से देखोगे तो ये माइनस टेन एक्स और ये प्लस टेन एक्स चला जाएगा, दिख रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो ये हो गया फिर लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, वन कहाँ हुआ बेटा, ऊपर बच गया टेन डेल्टा एक्स। हाँ हाँ सर। हाँ सर। अपॉन डेल्टा एक्स, फिर ये डेल्टा एक्स गया तो क्या बच गया टेन, तो इसका आंसर हो गया टेन। ठीक है, आया समझ में? तो एक बात जान के आपको खुशी होगी कि ये सब जो मैं कर रहा हूं ना, ये सब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ मुझे फंडामेंटल सिखाना है इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। अदरवाइज मैं आपको तीन फॉर्मूले दे रहा हूँ जिस फॉर्मूले को यूज करके आप सबका डायरेक्ट आंसर बता दोगे, अभी तीन चार पांच जितना भी फॉर्मूला दे दो। सुनना सब ध्यान से, फर्स्ट फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ x raised to n is always n into x raised to n minus 1। ये आप समझ लो कि अगले चार महीने पांच महीने तक यही तुम्हारा लाइफलाइन है, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए हमेशा के लिए, समझ आया? हाँ सर। यस सर। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया था, देखो ओरली बता दोगे? हाँ सर, इससे निकल जाएगा। निकल क्या जाएगा ओरली? x स्क्वायर था, 2x है ना? हाँ। तो इस फॉर्मूले में n हमारा कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम हमेशा इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। क्लियर? हाँ। दूसरा फॉर्मूला सर, एक बार ऊपर का दिखाना सर, इससे तो सेकंड सम भी तो सॉल्व हो जाएगा, वो इसके नीचे वाला फॉर्मूला। सब 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 बता रहा हूँ, घबरा मत, लिखने को टाइम दूंगा, घबरा मत, यहाँ तक ठीक है? अब एक दूसरा कॉमन सेंस देखो, अब एक दूसरा कॉमन सेंस और देखो, अगर कहीं कांस्टेंट आ गया d बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट, ये हमेशा जीरो होगा, कॉमन सेंस है? कोई चीज अगर कांस्टेंट है तो उसका रेट ऑफ चेंज तो जीरो ही होगा ना, मीन्स अगर कहीं तुम्हें दिखा लिखा हुआ मिल जाए कि d बाई डी एक्स ऑफ 5 या 10 या ऐसा कुछ, तो वो जीरो ही होगा। फॉर एग्जाम्पल d बाई डी एक्स ऑफ कुछ भी 5 मान लो,
तो हम लोग इसको जीरो करेंगे। ये फॉर्मूला का जस्ट एग्जांपल है, ये जो सेकंड फॉर्मूला लिखा उसका एग्जांपल है। थर्ड कॉमन सेंस, अगर कहीं तुम्हें मिल जाए d by dx of some constant multiplied with function of x, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, d by dx of function of x कर देंगे। इसका दो तीन एग्जांपल अभी करके दिखाता हूं। पहले जैसे अभी जो अभी 10x का किया था ना बेटा। हाँ सर। तो 10x को देखो, मैं इस फॉर्मूले के हिसाब से करने की कोशिश कर रहा हूँ, d by dx of 10x करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें दिख रहा है 10 कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो इसके हिसाब से करेंगे तो 10 into d by dx of x ऐसा लिखेंगे। हाँ। तो अब फर्स्ट फॉर्मूले के हिसाब से जाएं तो n की वैल्यू 1 है ना, x मतलब x raise to 1 है ना। Yes, sir. हाँ सर। 1 into x to the power 1 minus 1, तो x to the power 1 minus 1 का मतलब क्या हो गया, x to the power 0 और एनीथिंग टू द पावर 0 1 होता है, तो ये आंसर हमारा 10 हो गया। वहां भी देखो 10 आया था। हाँ। ठीक है, एक एक yes. एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए डी बाई डी एक्स ऑफ 3x टू द पावर 4 मान लो, तो हम क्या करेंगे, ठीक ऐसे ही 3 को बाहर रखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू 4, तो ये हो गया 3, x raise to 4 के लिए फॉर्मूला लगा देंगे तो 4 into x raise to 4 minus 1 होगा। हाँ सर। 12 into x to the power cube, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ सर। ये तीनों फॉर्मूला समझ आया कैसे यूज करते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूं उससे पहले यहाँ तक पहले कॉपी कर लो, कहाँ से बचा हुआ, एग्जांपल 2 से बचा हुआ है ना। यस सर, एग्जांपल 2 से, एग्जांपल 2 से बचा हुआ है, तो एग्जांपल 2 से यहाँ तक पहले कॉपी कर लो। सर सेकंड फॉर्मूला में डी के साथ है, के अलग से साथ और अलग से क्या होता है बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, पहला फॉर्मूला को क्या पढ़ेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन ऐसे पढ़ेंगे। ओके सर। दूसरे फॉर्मूले को पढ़ेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ के, दैट इज कॉन्स्टेंट। हम्म
अरे माइक्रोफोन अपना म्यूट करो भाई तुम लोग। कॉपी कर लिए सर? एक मिनट सर। हो गया, आगे बढ़ो। यस ठीक है। फोर्थ एक और देखो। फोर्थ वन, अगर कहीं ऐसा रहे डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ भी एक फंक्शन रहे, फिर प्लस दूसरा फंक्शन रहे, फिर प्लस माइनस जो भी रहे तीसरा फंक्शन रहे, तो इस तरह का जो भी हो हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, फिर प्लस का साइन है तो प्लस रहेगा, माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स माइनस है तो माइनस रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ कुछ भी एच एक्स जैसा भी रहे। तो अगर किसी एक फंक्शन में क्या है बहुत सारे फंक्शन का एडिशन या सब्ट्रैक्शन है, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, इंडिविजुअल फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं और फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन जिस किसी का भी साइन होता है, केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में नहीं, केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही ये एप्लीकेबल है, ठीक है, तो हम लोग उसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल देखो इस बात का, सपोज मान लो मुझे निकालना है d बाई डी एक्स ऑफ कुछ भी लिख देता हूं 3x स्क्वायर माइनस 5x कुछ भी प्लस 10 ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है, तो ऊपर वाले रूल के हिसाब से हम क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं पहले तो d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 10, ठीक है यहां तक है ना सर? सेकेंड रूल के हिसाब से 3 को बाहर कर लेंगे, फिर हम लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 5 को बाहर कर लेंगे, लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और ये तो कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा, आया ना सर? 6x माइनस 5 है
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी मैंने सीखा था उसके हिसाब से 2x होगा माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन अभी हमने सीखा था उसके हिसाब से 1 हो जाएगा प्लस 0 तो ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू एक्स 6x हो गया माइनस 5 इंटू 1 5 हो गया तो मेरा आंसर हो गया 6x माइनस 5 आया समझ में हाँ सर अच्छा एक और एग्जांपल देता हूँ यहीं पर जैसा मैंने कहा एक्स रेज टू एन वाला फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है मतलब इंटीजर हो फ्रैक्शन हो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो सबके लिए वैलिड है जैसे अगर मुझे मान लो निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर मान लो मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है ये मेरा क्वेश्चन है ठीक है तो एक काम करो कॉपी करो फिर सेकेंड खुद से पहले कोशिश करो सर को एक कर ही देता हूँ तो फिर थोड़ी देर के बाद तुम लोग अलग करो क्या है सर नहीं हो रहा है इसको लिख सकते हैं हम लोग डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस d by dx of 3x square ऐसा लिख सकते हैं yes sir yes sir तो root yes. x का root x का मतलब क्या हो गया x raised to 1 by 2 1 by 2 तो ये हो गया x raised to 1 by 2 minus ये हो गया 3 into d by dx of x square यही मतलब हुआ ना अब इस 1 by 2 को ऐसे लिख सकते हैं 1 by 2 into x raised to 1 by 2 minus 1 minus 3 into 2 into x raised to 2 minus 1 ऐसा होगा तो ये हो गया 1 by 2 x raised to minus half ऐसा हो गया माइनस सिक्स एक्स आया ना हाँ तो ये हो गया वन अपॉन टू रूट एक्स माइनस सिक्स एक्स ये हमारा आंसर हो गया आया समझ में यस सर जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको
हो गया, आगे बढ़ूं क्या? हाँ सर, एक मिनट सर, दो मिनट. हो गया? यस सर, हो गया. ठीक है. चलो थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं इसी का. कुछ प्रैक्टिस करते हैं. मैं जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग मुझे आंसर बताते. dy by dx if, just practice के लिए और कुछ नहीं. First, y is equal to 1 minus 2 root x upon x. Question number 2. Y is equal to third root of x square. Question number third, simple, ek line ka. Y is equal to 1 upon root x. Question number fourth, y is equal to 1 upon x. Question number five, y is equal to, इसका कुछ लिख देता हूं मैं, 3x raised to 10 minus 5x raised to 7 plus 8. ठीक है, नीचे से स्टार्ट करो. क्वेश्चन नंबर 1 से 5 से स्टार्ट करो, फिर 1 पे जाना. आया समझ में? हाँ. पहले 5 कीजिए, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1. नहीं तो क्या होगा, 1 में ही फंसे रहोगे, कहोगे कुछ नहीं हुआ. ये जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए दिया मैं. सर 30x raised to 9 minus 35x raised to 6. पूरा सॉल्व कर लो, मैं आंसर लिख दूंगा उधर ली, उसका मिलाते रहना.
खाली रेंज इतने के चम्मच हो खाली घर से नहीं देते नहीं थी इधर नहीं था जीव जो को लेकर अलग अंदर से जीव रेंज से धन सर सभी हो गए कहते हो गए यस सर हाँ सर सर एक मिनट ठीक है मैं फटाफट से आंसर लिख देता हूँ एक बार मैच कर लेना वेदांत सब सॉल्व कर लिए चलो फटाफट मैं आंसर लिखता हूँ एक एक करके मैच कर लेना कौन कौन सा सही है नीचे से स्टार्ट करते हैं इसका आंसर है 30x^9 - 35x^6 इसका आंसर है -1/x^2 जिसका आंसर नहीं मैच होगा बताना इसका आंसर हो जाएगा -1/2 और ये हो जाएगा x^3/2 नीचे की
इसका आंसर हो जाएगा 2/3 एक्स रेज टू माइनस 1/3। इसका आंसर हो जाएगा, तो ये 1/x माइनस ही है, तो 1/x का पहले ही कर चुके हैं, तो फर्स्ट टर्म इसका हो गया माइनस 1/x2, सेकेंड टर्म में माइनस 2 इधर, और ये रूट एक्स नीचे आ जाएगा, तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर ये हो गया 1/2 एक्स रेज टू 3/2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा मेरा माइनस 1/x2 प्लस एक्स टू दी पावर माइनस 3/2। सर हाँ सर, आपने जो फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया उसका आंसर हम ऐसे लिख सकते हैं कि लाइक माइनस एक्स रेज टू माइनस 2। क्या माइनस एक्स टू माइनस 2? हाँ वो लिख सकते हैं वो सब। सर थर्ड क्वेश्चन में भी माइनस हाफ एक्स रेज टू माइनस 3/2 बिल्कुल लिख सकते हैं, वो तो लिखने का तरीका है, बिल्कुल लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया सर, सेकंड वाला बता सकते हो आप? क्या बताऊं, थर्ड रूट ऑफ, सब चुप। हाँ सब चुप। थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया? इस क्वेश्चन का मतलब हो गया कि एक्स टू द पावर 2/3, यही मतलब हुआ ना? ये नहीं समझा सर। क्या नहीं समझा इसमें? 2/3 कैसे आया? थर्ड रूट मालूम है? अच्छा, किसको कहते हैं? हाँ हाँ समझ गया। ओके समझ गया, पक्का? हाँ सर। और बोलो, फोर्थ वाला कैसे आया? फोर्थ वाला 1/x का मतलब होगा एक्स फोर्थ वाला। हाँ हाँ फोर्थ वाला ही, फोर्थ नहीं फर्स्ट, वन वन वन। हाँ सुनो, फोर्थ आया? हाँ सर वो तो आ गया। अब चुप। तो फोर्थ आ गया, तो फर्स्ट वाले का जो फर्स्ट टर्म है 1/x, ये यही फोर्थ क्वेश्चन हो गया? हाँ सर। अच्छा, जो सेकेंड है माइनस 2√x/x, तो ये हो गया माइनस 2/√x। हाँ सर। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन इसलिए मैंने बोला था नीचे से करने को। ओके सर। चमका कुछ? हाँ सर। पक्का? हाँ सर पक्का। बधाई हो, चलो आगे बढ़े। सर फोर्थ का आंसर माइनस एक्स रेज टू माइनस 2 सिंप्लीफाई ऐसे लिखना है या फिर माइनस 1/x? अरे बेटा ये कोई बात नहीं है, जैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं माइनस 1/x2 लिखूं या माइनस एक्स रेज टू माइनस 2 लिखूं, एक ही बात है। ठीक है, आई बात समझ में? यस। हाँ तो सीखने का मतलब उसको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, रेड से लिखना है, ब्लू से लिखना है, ग्रीन से लिखना है, ये सब बात का कोई मतलब नहीं है। मैं 1/x2 लिखूं या x रेज टू माइनस हाफ लिखूं, एक ही बात है। ठीक है? ठीक है। अब हम लोग इसका कुछ मीनिंग पढ़ लेते हैं, डिफरेंशिएशन का कुछ। अरे चलो एक चीज सिखाता हूँ, जस्ट ऐसे ही सिखाता नहीं हूँ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। बहुत लोग कहता ना ये पढ़ते क्यों है, क्या है, क्या मीनिंग है इसका, सारे मीनिंग तो एक दिन में नहीं सीख लोगे, लेकिन कुछ कॉमन सेंस तो जरूर सीख लोगे। सपोज y इज इक्वल टू 2x एक फंक्शन है और मुझे कैलकुलस नहीं आता है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो हम एक इधर टेबल बना लेते हैं, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y क्या होगा? 0। एक्स वन रखेंगे तो y क्या होगा? 2। x2 रखेंगे y क्या होगा? 4। x3 रखेंगे y क्या होगा? 6। x4 रखेंगे y क्या होगा? 8। तो यहाँ पर एक पैटर्न समझ आ रहा है? आ रहा है कि जब जब हमारा x, जब जब मैं x को 1 से इंक्रीज कर रहा हूँ,
तब तब मेरा वाई हमेशा टू से इंक्रीज हो जा रहा है, कॉमन सेंस से? हाँ, है ना? हाँ, सर। मान लो मुझे कैलकुलस नाम की कोई चीज नहीं पता है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस केस में रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कितना होगा, तो क्या बोलोगे? टू बाई वन, टू अपॉन वन, टू बाई वन, टू होगा। हाँ सर, रेट ऑफ चेंज इन वाई टू होगा, और डिफरेंशिएट करके भी देखो टू होगा। हाँ होगा ना। तो ये तो मैंने जस्ट एक छोटा एग्जांपल लिया जिससे कि आपको समझ में आए कि dy by dx हमें हमेशा रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू देता है। एग्जांपल में मैंने ऐसा छोटा सा इक्वेशन लिया जिसको कि तुम भी कैलकुलेट कर सकते हो अलजेब्रिकली भी। चमका? यस सर। हाँ सर। तो अब हम थोड़ा सा इसी के कुछ और मीनिंग देखते हैं। तो मुझे लगता है आज के लिए काफी हो गया, फिर खिचड़ी हो जाएगी। कुछ काफी नहीं हुआ, गला दबा दूंगा। कड़ाई से बात है। कैसे दबाओगे? अबे सब आवाज से पहचान लिया हूँ, फिजिकल लेक्चर में मिलेगा ना, सबको पकड़ पकड़ के मारूंगा मैं। याद रहेगा तो क्या लोग सब स्टाइल बहुत पसंद आया पढ़ाने का। क्या हुआ? आपका स्टाइल पढ़ाने का बहुत पसंद आया। बहुत पसंद आया, अब मारूंगा ना तो मारने का स्टाइल भी पसंद आएगा। फिजिकल लेक्चर में मिलेगा ना तो बहुत पिटने वाला हूँ मैं तुम लोगों को। तुम लोग सब पढ़ता वढ़ता नहीं है, केवल आराम करता है। एनीवे चलो, तो अब हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ dy by dx। कुछ मीनिंग तो ऐसे बहुत होते हैं। मीनिंग ऑफ dy by dx, तो एक मीनिंग तो अभी अभी सिखाया कि dy by dx क्या देता है, रेट ऑफ चेंज देता है, है ना? इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहा कि dy by dx रेट ऑफ चेंज देता है? नहीं नहीं सर। तो रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं वाई और एक्स बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, जेड टी हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, ठीक है? दूसरा, अब एक कॉमन सेंस देखो, अगर dy by dx रेट ऑफ चेंज इन y देता है तो dy by dx अगर पॉजिटिव है, ध्यान से सुनेगा सब, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मतलब है कि x के बढ़ाने से y भी बढ़ा है। यस सर, वैल्यू इंक्रीज हुआ है सर। क्या है? डेल्टा y और डेल्टा x का रेशियो है, तो कोई रेशियो अगर पॉजिटिव है इसका मतलब है डेल्टा y और डेल्टा x दोनों का साइन सेम है। यस सर। यस, तो इसका एक मीनिंग हम ये कह सकते हैं कि y increases with increasing x? Yes sir. Yes sir. जैसे पहले टेस्ट में मान ले तेरा मार्क्स आ गया 20 और दूसरे टेस्ट में आ गया 30, तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होगा ना? Yes. तो y increases with increasing x, कॉमन सेंस है? ठीक वैसे ही दूसरा कॉमन सेंस, अगर dy by dx नेगेटिव है इसका मतलब है x इंक्रीज करने से y डिक्रीज किया है, है ना? बोलो हाँ या ना? तो y डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन x। अच्छा, इस बात का मतलब ये हुआ, इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले वाले केस को कि y इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इसको कह सकते हैं कि y डिक्रीजिंग फंक्शन है ना?
और dy by dx अगर जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया कि पहले टेस्ट में भी 20 मार्क्स, दूसरे टेस्ट में भी 20 मार्क्स, तो y कांस्टेंट है, यही मतलब हुआ ना? हाँ सर। कि y doesn't change with x, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अब dy by dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखो, ये सब सिर्फ थ्योरी समझने की जरूरत बहुत हार्डली कहीं पड़ेगी, बट ठीक है चलो सिखा रहा हूं तो सिखा ही देता हूं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy by dx, इस एग्जाम्पल को देखो, सपोज ये हमारा y एज अ फंक्शन ऑफ x का ग्राफ है, ठीक है? अब समझना है जरा सा, ग्राफ देखकर ही लग रहा है इंक्रीजिंग फंक्शन है, x बढ़ने से y बढ़ रहा है ना? हाँ सर। तो ये x है और ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग y है। अब x में थोड़ा सा चेंज हो गया, थोड़ा सा चेंज हो गया मतलब अब मेरा x हो गया x प्लस डेल्टा x यहाँ पर, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग y में चेंज हो गया मेरा y प्लस डेल्टा y, ठीक है? ध्यान से देखेगा सब। तो ये जो लेंथ हुआ जो मैंने रेड से ड्रॉ किया, ये डेल्टा एक्स है, हाँ या ना? हाँ सर। ये जो लेंथ मैं अभी ब्लू से ड्रॉ किया, ये डेल्टा वाई है, यस हाँ सर। और अगर मैं इस लाइन को मिला दूं, तो इस ट्रायंगल में ये जो थीटा होगा इसी टैन थीटा की वैल्यू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होगी, हाँ सर। तो अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, मतलब ये पॉइंट बहुत करीब है, तो उस केस में एक मिनट ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए, ये जो लाइन है ये लाइन इस कर्व का टेंजेंट होगा अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा है, तो ये वाला जो लाइन होगा ना, हाँ सर, ये इस कर्व का टेंजेंट होगा और ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये जो टैन थीटा है दैट इज डीवाई बाई डी एक्स है, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, तो ये जो dy by dx है ये tan theta that is slope of tangent होगा, है ना? तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये हो गया कि dy by dx किसी भी फंक्शन का y is equal to fx के ग्राफ का स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। क्लियर सर? समझ में नहीं आया जो हमने पढ़ा, समझ नहीं आया? हाँ सर, नहीं समझ पाया। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैसे समझ जाएगा, इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। चलो फिर से, ये जो यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बना है ना, इसको थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूँ यहाँ पर,
ये है मेरा डेल्टा एक्स, ये है मेरा डेल्टा वाई, और ये पार्ट मेरा ऐसा कर्व था, ठीक है, था? यस सर। और अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा तो ये वाला कर्व स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। हाँ सर। और इस ट्रायंगल में जो थीटा होगा ये टैन थीटा, यही पी बाई बी डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होगा। यस सर। यस सर। तो जब डेल्टा एक्स छोटा है तो ये वाला जो लाइन स्ट्रेट लाइन हो गया, ये लाइन एक्चुअल में क्या होगा, कर्व पर टेंजेंट होगा ना। ये जो ब्लू मैंने ड्रॉ किया है ये वही लाइन है ना, और ये एंगल थीटा है तो एक्स एक्सिस से ये जो एंगल बनाएगा वो भी थीटा होगा। तो ये जो रेड का डॉटेड लाइन दिख रहा है ये टेंजेंट है, और ये टेन थीटा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो इस स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू ही डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के बराबर है अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो। तो ज्योमेट्रिकली हम लोग कहते हैं कि किसी भी फंक्शन का डी वाई बाई डी ए, उस फंक्शन का अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उस पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट के स्लोप के बराबर होगा। मतलब सर ये तभी होगा ना जब डेल्टा एक्स बहुत छोटा। तो डेल्टा एक्स जब बहुत छोटा होता है तभी इस रेशियो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स को डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स डी वाई बाई डी एक्स तभी बनता है व्हेन डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। यस क्लियर है। तो ये सब कुछ ग्राफ का आपको याद नहीं रखना है, तो मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ इसलिए बता दिया, मैंने कहा चलो सीख लो कभी ना कभी लाइफ में काम ही देगा। आपको एक लाइन सिर्फ याद रखना है कि dy by dx on any function y is equal to fx will represent slope of tangent drawn on the curve y is equal to fx, ठीक है। दूसरा केस देखो इसी में, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल लिया आपको इंक्रीजिंग फंक्शन का, आपको जस्ट समझ में आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा भी यहीं से समझ में आ जाएगा। अच्छा चाहे केस वन में ही एक चीज देखो, ये थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल दिख रहा है। यस सर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है मतलब टैन थीटा पॉजिटिव, वैल्यू नहीं पता बट पॉजिटिव है ये पक्का है। हाँ yes, सर। yes. तो tan थीटा पॉजिटिव है मतलब dy by dx पॉजिटिव है। हाँ सर। यस सर। dy by dx पॉजिटिव है मतलब y इंक्रीजिंग है, ग्राफ से भी दिख रहा है इंक्रीजिंग है x इंक्रीज करने से। अगर मान लो ग्राफ नहीं पता होता, मुझे सिर्फ ये पता होता कि स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव है तो हम समझ जाते dy by dx पॉजिटिव है। dy by dx पॉजिटिव है मतलब y इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक वैसे ही जस्ट एग्जांपल के लिए एक डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बना के दिखाता हूं। सपोज कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन मेरा ऐसा है, ऐसे ही दिख रहा है कि डिक्रीजिंग है, x के बढ़ने से y की वैल्यू कम हो रही है ना। हाँ है ना। तो इसमें किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस बार एक लाइन चूज करता हूं ताकि टेंजेंट बनाने में मुझे आसानी हो। इसमें अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये जो टेंजेंट तुम्हें दिख रहा है इस टेंजेंट का स्लोप ये थीटा होगा। यस सर। होगा ना, बोलिए। यस सर। अच्छा तो ये थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल दिख रहा है। हाँ सर। टैन थीटा नेगेटिव होगा। हाँ सर। मतलब dy by dx नेगेटिव होगा। हाँ सर। मतलब y डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ऐसे भी देखो दिख रहा है y डिक्रीज कर रहा है, समझे कि नहीं। हाँ सर। यस सर।
थर्ड केस, अगर ये कांस्टेंट फंक्शन होता, मींस ये y है और ये x है, कॉमन सेंस से अगर ऐसा ग्राफ है तो देख के ही लगता है y इज कांस्टेंट। हाँ सर। तो ये तो ग्राफ देख के लगता है, ये तो मतलब ऐसे फिजिकली। दूसरा, स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट वो लाइन खुद होता है। yes, अपने केस में थीटा जीरो है, मतलब टेन थीटा जीरो है, मतलब डीवाई बाई डी एक्स जीरो है, मतलब वाई कांस्टेंट है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट देख रहे हो किसी के बारे में कितना कुछ बता देता है। अगर ये पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा इज नथिंग बट डीवाई बाई डी एक्स, क्लियर है यहां तक? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। तो जल्दी से जरा कॉपी कर लो जो छूटा हुआ है, कहां से? यहीं से छूटा है ना, मीनिंग ऑफ डीवाई बाई डी एक्स से। हाँ सर। कॉपी कर लो जरा, दिख रहा है या बड़ा कर दूं? नहीं सर, बराबर है। सर हम्म, सर थर्ड पॉइंट जो है ना जिसमें dy by dx नेगेटिव है, उसमें अगर x डिक्रीज होगा तो y इंक्रीज होगा। हाँ, और x इंक्रीज होगा तो y डिक्रीज होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। नहीं सर।
और ये ग्राफ कोई स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है ना? केस थ्री देखो स्ट्रेट लाइन ही है। नहीं सर, मतलब ऐसे जिसका कोई स्लोप भी हो वैसा। हाँ हो सकता है स्लोप भी हो सकता है, स्लोप भी हो, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, जैसा मन कर वैसा हो सकता है। सर हो गया कॉपी? हो गया लिख के सर, लिख के खत्म हो गया। ठीक है चलो, बहुत पढ़ लिया आज के लिए, इतना ही होमवर्क। मैं ग्रुप पे असाइनमेंट दे देता हूँ और उसका आंसर की और सॉल्यूशन मैं कल डाल दूंगा। आज प्रैक्टिस करो तुम लोग, एक असाइनमेंट देता हूँ कैलकुलस का, डिफरेंशिएशन का, केवल जितना आज पढ़ाया उतने ही पे बेस्ड, उसका प्रैक्टिस करो। आंसर की उसमें नहीं रहेगा, एक बार पूरा सॉल्व कर लो तो फिर आंसर की मैं कल सुबह में डाल दूंगा या कल शाम में डाल दूंगा। ठीक है? ओके सर, चलिए, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर, बाय, वेलकम, बाय सर। सर कैन यू गो, कुछ बोल रहे हो? जा सकते सर? हाँ हाँ चलिए, बाय बाय सर, बाय।